गाइस, आज हम बनाने वाले हैं रसना। तो इसके लिए हमारे पास एक पैकेट रसने के दो, तो इससे हम आज रसना बनाएंगे। ये हमारी ठंडी बोतल है, इससे हम इसमें पानी डालेंगे। तो भाई इससे हम इसमें डालते हैं, इसको हम फुल भर देंगे। बस हमारे ये भरा चुका है, तो हम इसमें जो रसना है वो डाल देंगे। गाइस तब हम इसमें डाल देते हैं हमारा जो रसना है वो बहुत टाइटली खुल रहा है, सही खुल चुका है। तो पूरा रसना डाल देते हैं इसमें। बहुत ही डार्क इसका कलर आ रहा है इसमें, तो हम एंड में आपको देखेंगे। इसको अच्छे से कल मिक्स करना पड़ेगी, क्योंकि इसकी छोटी छोटी बॉल्स हैं इसमें, तो इसको पूरा मिक्स करना पड़ेगी जब भी इसमें टेस्ट आएगा अच्छा। तो देखिए दोनों जो पैकेट हैं वो हमारे डल चुके हैं। तो गाइस अंदर का सीन देखिए, बिल्कुल कैसे मिक्स हो रहा है देखिए। तो हमारी स्पून से इसको मिला देते हैं थोड़ा अच्छे से धीरे धीरे। तो अब हम इसमें डालेंगे शुगर। सो गाइस हम इसमें इतनी तो शुगर डाल देंगे, आप अपने लेवल की शुगर डाल दीजिएगा आपकी क्वांटिटी के हिसाब से। तो हम इसमें डाल देते हैं धीरे धीरे कि फिरे ना, शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम पड़ेगी तो मैं थोड़ी सी और डाल देता हूँ। तो ये मैंने थोड़ी सी और ले ली है और डाल दी है। तो अब हम इसको मिक्स कर, तो गाइस अब हम इसको मिक्स करते हैं। बहुत टाइटली मिक्स हो रही है, टाइट मिक्स हो रही है। तो मैं आपको इसकी आइसक्रीम भी बनाकर दिखाऊंगा इसी वीडियो में, तो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। अभी तो हम इसको मिक्स करके हमें अराउंड 2 या 3 घंटे रख देना है इसको ठंडा करने के लिए। इसको हमें पीना है नहीं, जमाना नहीं है। तो हम आपको आइसक्रीम बना कर दिखाएंगे बाद में। तो हम अभी इसको ठंडा कर देंगे, पहले इसको मिक्स करते हैं अच्छे से। गाइस इसकी हमें आइसक्रीम भी बनाना है, तो हम इसमें थोड़ा सा इसमें भी डाल देंगे इसमें बनाने के लिए। तो इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे अराउंड 5 घंटे के लिए, और इसको रख देंगे हम ठंडा करने के लिए 2 घंटे के लिए। तो आपसे मिलते हैं 2 घंटे बाद। कुछ काम हो चुका है, तो इसका हमने ढक्कन लगा दिया है, और ये डिब्बे को, शक्कर के डिब्बे को हम इधर ऊपर रख देते हैं, और ये चम्मच भी धोने के लिए रख देते हैं इधर पे, और इस बोतल को हम रख देते हैं फ्रिज के अंदर। तो इसको रख देते हैं हम ऊपर। गिरना रहा है, ओ क्या रखा था भाई, बच गया जो भी था। 1 मिनट अब हम इसको नीचे रख देते हैं यहाँ पे, और देखते हैं कि नीचे क्या रखा था। ओह माय गॉड, दूध रखा था, अच्छा रहा फैला नहीं। तो अब हमारी जो है ये ऊपर रखी है हमारी दोनों चीज़ें, इसमें रखा है रसना, उसमें ये आइसक्रीम, यहाँ चॉकलेट रखी है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे बाद में, हम मिलते हैं इसके बाद में जब जम जाती है। और ये हम साफ कर देते हैं, नहीं तो डांट पड़ेगी। तो रखते हैं, तो गाइस अब इसको निकालते हैं। इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करते, नहीं तो पी नहीं पाएंगे, क्योंकि मुँह में दांतों में जलन पड़ने लगती है। इसलिए अभी इसको निकालते हैं और फ्रिज को करते हैं ऑफ। तो हम इसको ग्लास में डाल के ले आते हैं, फिर पी के बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है। तो ये रहा हमारा ग्लास, और अब इसमें डालते हैं। तो ये हमारा डल चुका है, तो अब हम इसको पीकर बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। दिस वेरी नाइस टेस्ट आ रहा है बिल्कुल। आप भी घर पर बिल्कुल ट्राई कीजिए, और हम आपकी आइसक्रीम देखेंगे थोड़ी देर बाद कैसी लग रही है, फिर आप सब मिलते हैं। फाइनली गाइस, तो हमारी आइसक्रीम को निकालने का टाइम आ चुका है, तो आइए निकालते हैं। तो देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से जम चुकी है, और फ्रिज को ऑफ करते हैं। और इसको हमें इसको निकालने के लिए चाहिए एक चाकू की ज़रूरत पड़ेगी, तो चाकू भी आ चुका है हमारा। तो आइए हमारा जो वर्क है स्टार्ट करते हैं। तो आपको हमारी जो रसना की रेसिपी है, जो हमने आइसक्रीम बनाई और रसना बनाया, वो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये देखिए हमारी जो आइसक्रीम बिल्कुल भून चुकी है, वो निकलने के लिए तैयार। देखिए गाइस बिल्कुल निकल चुकी है हमारी आइसक्रीम। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसका हम जो टेस्ट चेक करते हैं, उसका टेस्ट बहुत ही मस्त आ रहा है,
प्लीज़ घर पर ट्राई ज़रूर करें। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।